ECAT Mathematics F.Sc Part 1 Chapter Number 7 Permutations, Combinations and Probability में आज हम जिस टॉपिक को डिस्कवर करेंगे वो है Definitions and Results on Probability. Probability जो है ये एक calculated guess का नाम है. जैसे इस MCQ से भी हम समझ सकते हैं कि हमसे पूछा ये जा रहा है the probability of getting 5 when one dice is rolled is, यानी देखें एक डाइस है, आप जैसे आपने देखा होगा एक डाइस के 6 साइड्स होती हैं, ठीक है, जिसमें से कि एक साइड के ऊपर 5 डॉट्स लगे होते हैं, ठीक है, तो इस इवेंट के आने के कितने परसेंट चांसेस हैं या इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, ये हमसे बेसिकली पूछा जा रहा है. तो अगर हम साइड्स के हवाले से देखें तो हमें एक 6 में से एक साइड जो है वो रिक्वायर है, हमारा मतलब फेवरेबल इवेंट जो है वो ये साइड है. टोटल आउटकम्स कितनी है, टोटल आउटकम्स जो हैं वो हमारे पास है 6, ठीक है, तो आप देखें कि ऑप्शंस में 6 और चूंकि एक फेवरेबल आउटकम है तो 1 ओवर 6 प्रोबेबिलिटी बनती जो कि ऑप्शन नंबर फिर डी में लिखा हुआ है, ठीक है, यानी बाय डेफिनेशन हम यूं कहते हैं कि अगर हमारा इवेंट जो है वो ए है, जो ये है कि 5 साइडेड जो एक शेप है वो आए, ठीक है, तो इसकी जो तादाद है इसके फेवर में कितनी-कितनी साइड्स हैं, इसको अगर इसकी रेशियो ले ली जाए, इसका कंपैरिजन किया जाए टोटल नंबर ऑफ आउटकम से जो के एन ऑफ ए सैंपल स्पेस कहलाता है, तो इससे हम कहते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट है, जो कि इस केस में कितनी आ चुकी है जी, 1/6 आई है. नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं जी कि अगर एक इवेंट ए ऐसा हो जो इम्पॉसिबल हो, ठीक है, कि इफ ए इज इम्पॉसिबल इवेंट देन इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी एक चीज जो कि नामुमकिन हो, अब मतलब जिस सैंपल स्पेस से उसे या उसके मतलब टोटल जो आउटकम्स हैं उससे अगर कंपेयर भी किया जाए, जब वो है ही इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता, उसके फेवर में कोई हमारे पास आउटकम है ही नहीं, तो फिर वहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो जीरो बनेगी, यानी जीरो आउट ऑफ समथिंग, जो कि अगर वन भी हो टू भी हो तो जीरो ही आंसर आता है, इसलिए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन के हिसाब से फिर आंसर जो करेंगे वो जीरो को करेंगे. जी स्टूडेंट्स, हमारे पास एक और एमसीक्यू है जिसकी स्टेटमेंट ये है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ 3-डिजिट नंबर चूजन एट रैंडम डिविजिबल बाय 5 इज. अब यहाँ पर चूंकि जो 3-डिजिट नंबर है, ऐसे नंबर जिनमें 3 डिजिट आते हैं वो 100 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, फिर वो 5 से डिविजिबल भी हों, इसका मतलब उनके यूनिट प्लेस पे 5 या फिर 0 होना लाजमी है, ठीक है, ये हम ऑलरेडी ये प्रॉपर्टी जानते हैं, तो इसका मतलब कि 999 तक अगर गिना जाए तो ये 995 जो है या 990 जो है, ये ऐसे नंबर हैं 3 डिजिट जो 5 पर डिविजिबल है, ठीक है. अब अगर इनकी तादाद, चूंकि हम जानते हैं कि अगर हमारा इवेंट ये है कि वो नंबर डिविजिबल बाय 5 हो, तो इसके फेवर में जितनी आउटकम्स हैं, ठीक है, इस इवेंट के और टोटल जो आउटकम्स हैं, इन टोटल जो नंबर हैं जो कि 100 से लेकर 999 तक हैं, उनको आपस में हमने कंपेयर करना है, ठीक है, तो हम यहाँ पर एक फार्मूला लगाते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस का, ठीक है, इसमें जो जनरल टर्म हम फार्मूला हमने पढ़ रखा है कि अगर nth टर्म फाइंड करनी हो या पता हो, ठीक है, हमें फर्स्ट टर्म भी पता हो, हमें ये ना पता हो कि वो जो nth टर्म लिख रहे हैं उसमें वो कौन से नंबर वाली टर्म है, और कॉमन डिफरेंस भी पता हो, तो हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है. अब इसमें अगर आप देखें तो अगर फर्ज करें 995 की मैं बात करता हूँ, ठीक है, ए हमारे पास कितना है 100 है, ये सीक्वेंस 100 से स्टार्ट हुआ है और इसमें जो डिफरेंस है वो 5 का है, क्योंकि हर 5 डिजिट 5 नंबर के बाद जो नंबर आ रहा है वो ऐसा है जो 5 पर डिविजिबल है, इस 100 को हम इधर शिफ्ट करेंगे ये 895 हो जाएगा, 995 में से माइनस होके,
ये 5 n से भी मल्टीप्लाई होगा और माइनस 1 से भी, ये 5 इस साइड पे आकर ऐड हो जाएगा तो ये 900 बन जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 5 n। और अगर आप 5 से हम दोनों तरफ डिवाइड कर लें तो हमारे पास n की जो वैल्यू है वो आ जाती है जी 180, क्योंकि देखें 5 वन टाइम 5, ठीक है, 4 कैरी हो जाएगा तो 98 टाइम 40, सॉरी 58 टाइम 40 और 50 टाइम 0 तो 180। इसका मतलब कि इन नंबर्स में 180 ऐसे नंबर हैं जो कि डिविजिबल बाय 5 हैं। अब ये कितने टोटल कितने नंबर हैं, अगर हमने इस चीज़ को मालूम करना है हम इसी फार्मूला को यूज़ करेंगे, ठीक है, और इसमें अब जो डिजिट है मतलब जो nth टर्म है वो 999 तक रखेंगे, ठीक है, और स्टार्ट तो 100 से ही हो रहे हैं थ्री डिजिट नंबर, ठीक है जी, लेकिन अब कॉमन डिफरेंस चूंकि 1 का होता है, चूंकि हम अब हर वो नंबर ले रहे हैं जो कि थ्री डिजिट नंबर है तो उसमें फिर कॉमन डिफरेंस 1 का हम रखेंगे। तो अब इसको अगर सॉल्व करें ये 100 जाके माइनस हो जाएगा, 899 आ जाएगा, ठीक है, जबकि ये n माइनस 1 है चूंकि 1 से मल्टीप्लाई करके n माइनस 1 ही आएगा, तो ये 1 तक शिफ्ट करें 900 आता है। इसका मतलब टोटल जो नंबर है आउट मतलब कम जो आ रही टोटल आउटकम्स वो 900 है, ठीक है। अब अगर 180 को 900 से डिवाइड किया जाए, देखिए 00 से कैंसिल, 18 1 टाइम 18, ठीक है, 18 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 90 आता है, ठीक है। इसका मतलब कि 1 ओवर 5 जो प्रोबेबिलिटी है, जैसे अगर हम परसेंटेज में देखें तो 100% से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आता है 20%, यानी हर 100 में से 20 जो आउटकम्स हैं वो किसके फेवर में है, वो इस चीज़ के फेवर में है कि वो नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 5 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर हम यूँ भी कर सकते थे कि हम थ्री डिजिट नंबर 100 से 200 की लाइन में देख लेते, ठीक है, लेकिन इसमें मतलब जो ये हमारे पास फार्मूला था इसने हमारी काफ़ी हेल्प किया इस प्रोबेबिलिटी के आंसर को फाइंड आउट करने में। जी स्टूडेंट्स, अब एक और एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। इसकी स्टेटमेंट ये है कि इफ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बल्ब गेटिंग बीइंग डिफेक्टिव इज 0.2, एस्टिमेट हाउ मैनी डिफेक्टिव बल्ब्स देयर वुड बी इन 600 बल्ब्स। देखिए हमें बताया गया है कि जो बल्ब के ख़राब होने की प्रोबेबिलिटी है यानी उसके चांसेस हैं वो 0.2 है, यानी इसको मैं कह सकता हूँ 2 out of 10, यानी हर 10 में से 2 बल्ब ख़राब हो सकते हैं। या अगर और ज़्यादा इसको 100 के हवाले से देखें, अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लूँ डिनोमिनेटर को भी 10 से, तो हम कह सकते हैं कि हर 100 में से 20 बल्ब जो हैं वो ख़राब होंगे, ठीक है जी। अब हमसे पूछा ये जा रहा है कि बताएं या एस्टीमेट करें कि 600 अगर बल्ब्स हों तो उनमें से कितने बल्ब ख़राब होंगे। अब हम देखेंगे कि 600 में कितने 100 आते हैं, इसलिए इसको डिवाइड करेंगे 100 से। इसका मतलब कि ये आंसर आया 600 में 600 वाले नोट हो गए हो, ठीक है। तो हम जानते हैं कि हर 100 के पीछे 20 बल्ब ख़राब है, तो इसका मतलब कि 20 जो है वो 600 बल्ब में कितनी दफ़ा ऐड होगा, मतलब कि अगर हर 100 के पीछे 20 बल्ब ख़राब हो रहे हैं तो फिर 600 में कितने होंगे कि आप 20 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 120 बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर 120 जो कि ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है हम इसे मार्क कर देंगे और यही हमारा जो है यहाँ पे वो बेस्ट ऑप्शन के तौर पर सिलेक्ट हो जाएगा। हम इस एमसीक्यू में यू भी कर सकते थे कि अगर हम 120 का कंपैरिजन ले लेते हैं 600 से, ठीक है, परसेंटेज ले लेते हैं या इसको मतलब सॉल्व करते, देखें 00 से कैंसिल हो जाता, ये 12 1 टाइम 12 5 टाइम 60, तो इसका आंसर 1 ओवर 5 या 0.2 आता, ठीक है, यानी यहाँ से भी हम
हर नंबर को डिवाइड करके देखते हैं कि अगर 30 आउट ऑफ 600 होता तो क्या ये 0.2 आंसर आता। ये देख सकते हैं आपके 0 0 से कैंसिल और इसको हम लिख सकते थे 1/20, ठीक है, जो कि अगर इसको मजीद सिंपलीफाई किया जाए तो इसका आंसर, चले हम यहाँ पर भी कैलकुलेटर से देखते हैं क्या आता है। जी, इसका आंसर 0.05 आ जाता, ठीक है, जो कि 2 के बराबर नहीं थी। हम ऑप्शन ए भी ना सिलेक्ट करते, फिर हम 60 को 600 से कंपेयर करते तो देखें तब भी हमारा आंसर क्या आता, कि 0 0 से कैंसिल हो जाता, 6 1 टाइम 6 6, 10 टाइम 60, 1/10, जो कि 0.1 आता, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। इसी तरह 50 को भी आप अगर 600 से डिवाइड करते, चले हम इसे देख लेते हैं क्या आंसर आता हमारा, अगर 50 को डिवाइड करते 600 से तो ये 0.08333 आ रहा है। तो देखें ये एक हमारे पास यानी रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड ये होता कि हम अपना इस आंसर को और क्विकली सॉल्व कर लेते, अगर हम सिंपल यूं कर लेते कि इन्हीं नंबर्स को 600 से डिवाइड कर लेते तो जो रिजल्ट में 0.2 अगर आंसर आता तो ये वही हमारा ऑप्शन क्या होता, वो बेस्ट ऑप्शन होता। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं कि अगर हमें बताया जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट जो है वो 7/12 है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इवेंट हो कि जो बी के मतलब अगेंस्ट हो, मतलब वो आउटकम्स हो जो कि बी के अगेंस्ट है, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, उसके कितने परसेंट चांस है। ठीक है, देखिए हम जानते हैं टोटल आउटकम्स कितनी है, 12 है, 7 का 12 से डिफरेंस क्या है 5, यानी 5 ऐसी वैल्यूज है जो कि बी के फेवरेबल में नहीं। अब वो इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 5/12 है वो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में अवेलेबल है। ठीक है, कि अगर हम इन दोनों इवेंट्स का सम करते हैं यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी, ठीक है, या उसका जो निगेशन है या उसका उसके अगेंस्ट जो आ रहे हैं ऑक्रेंसिस, ठीक है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी, इनका सम जो है अगर आप कहें तो 1 आना चाहिए, 7/12 प्लस 5/12, अगर हम इनको ऐड करें डिनोमिनेटर इनके सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे 12/12 जो 1 के इक्वल, तो इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल बेस्ट है। बाकी ऑप्शंस में अगर आप देखें तो 1/12 भी नहीं हो सकता, 8/7 भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप 7/12 और 8/7 को अगर आप ऐड करते हैं तो ये हमें एक जैसा, मतलब इनका सम 1 आंसर नहीं आता। ये देख सकते हैं आप कि 7/12 ये आता है 0.58333, और इसमें अगर हम प्लस कर रहे हों 8/7 को तो ये 1 से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, इसकी इसका वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाती है, और इधर 7/5 ये तो बाहर नज़र भी आ रहा है कि 1 से बड़ी वैल्यू है, इसलिए फिर ऑप्शन डी जो हमारा वो क्या होगा यहाँ पे, वो बेस्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू हम देखते हैं जी, इसकी स्टेटमेंट इस तरह से है कि इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इवेंट वो क्या होगी। देखिए बात यहाँ पर याद रहे कि जो हमारे पास इवेंट है उसमें हम यूँ बात करें कि एक तो ए और बी दो अलग अलग इवेंट हो, ठीक है, जैसे मैं एक क्वाइन टास्क करता हूँ, मैं कहता हूँ ए इवेंट हेड आना है और बी इवेंट जो है वो टेल आना है, ठीक है जी। अब अगर मैं दोनों की बात कर रहा हूँ कि या है, मतलब दोनों में से कोई एक आ जाए, दोनों ही मेरे फेवरेबल है, या हेड आ जाए, यानी अगर हेड आता तब भी मैं विन करता हूँ, टेल आती तब भी मैं विन करता हूँ, तो फिर इस इवेंट जो कंबाइन इवेंट है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी। जारी बात है कि जब हम बाय डेफिनेशन भी देखते हैं तो टोटल आउटकम्स 2 हैं और जो फेवरेबल आउटकम है वो भी 2 ही है, क्योंकि हेड भी आए तब भी फेवरेबल है, टेल आए तब भी फेवरेबल है, तो फिर इस जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी है वो 2/2 यानी 1 है, ठीक है। जबकि अगर हम ए इवेंट और बी इवेंट की अलग अलग प्रोबेबिलिटी देखें तो 1/ मतलब अगर ए इवेंट की खाली बात की हेड आए तो एक दफ़ा क्वाइन टास्क करने में फेवरेबल जो हमारे पास आउटकम है वो एक ही मतलब साइड आती है एक दफ़ा टॉस करने से 2 में से। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी यही है 1/2, और इन दोनों को ऐड करने से
यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को ऐड करने से यदि 1/2 प्लस 1/2 हमारे पास जवाब 1 आता है, जो कि फिर हमें अगर आप इन सारे मतलब जो ऑप्शंस हैं उनमें देखें तो फिर बी ऑप्शन जो है उसी में हमें ये नज़र आता है। क्योंकि अगर आप इस ए ऑप्शन की बात करें तो इसमें फिर हम माइनस भी कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, यानी दोनों में से या ए आ जाए और साथ में बी भी आए, ठीक है। तो लेकिन इस तरह से मतलब ये तो इम्पॉसिबल है कि ए भी आए और बी भी आए, ठीक है। या फिर हम मतलब इस केस को यहाँ से अगर देखें तो ये फिर हमें वो रिजल्ट नहीं देता जो कि इस केस बी ऑप्शन से हमें हासिल हो रहा है, ठीक है। इसे हम कहेंगे कि ऑप्शन ए भी बेस्ट नहीं है। अगर ऑप्शन सी को देखें तो ये भी बेस्ट नहीं है, क्योंकि ये 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 बनता है जो कि 1/4 बन जाता है, ठीक है। और इसमें तो हम इवेंट ई की बात कर रहे हैं, मतलब ये तो बिल्कुल एक अलग ऑप्शन है। इसलिए ऑप्शन बी जो हमारा यहाँ पे वो एक क्या होगा, बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा उस केस में जब ए इवेंट और बी इवेंट जो आपस में डिसजॉइंट इवेंट्स होंगे।